Hello everyone, welcome back to the channel. This is Augustine Richard and you guys are watching AR Biker. आज हम जा रहे हैं यामाहा सलूटो एंड होंडा शाइन एसपी की कंपैरिजन वीडियो बनाने। आप अगर कंफ्यूज थे इतने दिन से कि हमें होंडा शाइन एसपी लेनी चाहिए या यामाहा की सलूटो लेनी चाहिए, तो आज मैं आप लोगों को वो सारे ही डिफरेंसेस बताऊंगा जो कि आप लोगों की बाइंग डिसीजन को अफेक्ट करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या दोनों में सिमिलैरिटीज़ है एंड क्या क्या डिफरेंसेस है, बेसिकली डिफरेंसेस है जो कि आप लोगों को एक दूसरे बाइक में ज़्यादा बेहतरीन, ज़्यादा अच्छा देखने में मिल सकता है। पहला बात, होंडा शाइन एसपी भी 125 सीसी की इंजन के साथ आती है एंड यामाहा सलूटो भी 125 सीसी के इंजन के साथ आती है। दोनों बाइक की टायर कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट सेम है। आप लोगों को 80/100 की टायर फ्रंट में एंड रेयर पे दोनों ही बाइक्स में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं, वो है इंजन की सीसी तो सेम है बट इंजन में पावर में डिफरेंसेस दोनों ही बाइक्स में हैं। होंडा शाइन एसपी में आप लोगों को 10.7 बीएचपी एट द रेट 7500 आरपीएम की मिलती है एंड यहाँ पे सलूटो थोड़ी सी मार खा जाती है। सलूटो में आप लोगों को 8.2 bhp एट द रेट 7000 rpm की पावर मिलती है। टॉर्क में भी डिफरेंसेस है बट बहुत ही माइनर डिफरेंसेस है। शाइन में आप लोगों को 10.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है एंड सलूटो में आप लोगों को 10.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। दोनों ही बाइक की पावर में अगर देखा जाए तो होंडा शाइन एसपी यहाँ पे क्लियर विनर है। और एक रीज़न है होंडा शाइन एसपी की टॉप स्पीड। होंडा शाइन एसपी की जो टॉप स्पीड आप लोग को मिलेगी वो आप लोग को डेफिनेटली सलूटो से ज़्यादा मिलेगी। इसके पीछे पावर तो है एंड उसके पीछे और एक रीज़न है कि होंडा शाइन एसपी 125 में आप लोगों को 5 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है एंड सलूटो में आप लोगों को 4 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है। 5 स्पीड गियर बॉक्स होने की वजह से इस बाइक की टॉप स्पीड इंक्रीज़ हो गई है। ये तो हो गई पावर की बात, ये तो हो गई गियर्स के बाद दोनों ही बात आप लोग को नियर अबाउट इंजन से रिलेटेड ही मिलती है बट डेफिनेटली दोनों ही बाइक्स के इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल इंजन है। इस इंजन को लेकर आप सालों साल तक चलाइए, आप लोग को कभी भी बाइक्स में कोई भी प्रॉब्लम इंजन को लेकर डेफिनेटली नहीं आने वाली है। माइलेज की बात करते हैं अगर होंडा शाइन में, तो आप लोग को नियर अबाउट 55 से लेकर 60 तक का माइलेज मिल जाएगा। यहाँ पे सलूटो क्लियर विनर हो जाती है। सलूटो में आप लोग को नियर अबाउट 60-65 तक का माइलेज देखने को मिलती है एंड अगर आप हाईवे क्रूजिंग करते हैं तो आप लोग को 65 से अबव का माइलेज भी देखने को मिल सकता है। होंडा शाइन एसपी में अगर देखा जाए तो आप लोग को हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलती है जिसमें आप लोग को थोड़ा सा एनालॉग का टच भी देखने को मिल जाएगा एंड आप लोग को थोड़ा सा डिजिटल का टच भी देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ सलूटो 125 में आप लोग को फुल्ली एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलती है। इंफॉर्मेटिव अगर कंपेयर करेंगे होंडा शाइन एसपी से तो उतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव नहीं है बट सलूटो की जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो उसकी बॉडी को मैच करती है, देखने में अच्छी दिखती है बॉडी के साथ। बट यहाँ पे होंडा शाइन की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप लोग को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ब्रेक्स की बात की जाए तो बहुत जन कंप्लेन करते हैं कि सलूटो की ब्रेक्स उतनी अच्छी नहीं है बट अगर आप डिस्क वेरिएंट लेते हैं तो आप लोग को 245 mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी फ्रंट पे एंड रेयर पे आप लोग को 130 mm की ड्रम ब्रेक मिलती है। पर यहाँ पे यह होंडा शाइन एसपी की डिस्क वेरिएंट को अगर हम कंपेयर करेंगे 5 mm छोटा है सलूटो 125 से। होंडा शाइन एसपी में आप लोग को 240 mm की डिस्क ब्रेक मिलती है। ग्राउंड क्लियरेंस में भी डिफरेंसेस है। अगर आपके सिटीज़ में बहुत ज़्यादा बम्प्स हैं, बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ रास्ता है तो आप लोग को सलूटो ही लेनी चाहिए। उसमें आप लोग को नियर अबाउट 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलती है एंड आप लोग को होंडा शाइन एसपी में 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की डिफरेंसेस में। होंडा शाइन एसपी की प्राइस आप लोग को एक शोरूम 70,000 आसपास पड़ जाएगी। अगर आप ऑन रोड लेने जाएंगे तो आपको 84 से लेकर 90 तक की भी पड़ सकती है। सलूटो यहाँ पे ज़्यादा चीपर है एज़ कम्पेयर टू होंडा शाइन एसपी। सलूटो में आप लोग को नियर अबाउट 6,000 रुपये कम पड़ने वाला है होंडा शाइन एसपी से। अब बात कर लेते हैं उस टॉपिक पे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहले बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि दोनों ही बाइक्स के इंजन बहुत ही ज़्यादा रिलायबल है। यामाहा एंड होंडा दोनों ही ऐसी बाइक्स बनाती है, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जिसकी इंजन की क्वालिटी पे कोई भी शक किसी को भी नहीं हुआ है आज तक।
अगर आपको पावर अच्छा चाहिए, थोड़ा अच्छा लुक चाहिए बाइक में, एंड आप लोग को इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, अगर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होने से आप लोग को अच्छा लगेगा, तो आप लोग को होंडा शाइन एसपी की तरफ जाना चाहिए। बट अगर आपको माइलेज अच्छा चाहिए एंड आप एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेकर चल सकते हैं, तो आपको सलूटो 125 की तरफ जाना चाहिए। तो इसी कंक्लूजन के साथ हम रैप अप करते हैं अपनी वीडियो को। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, एंड अगर आप लोगों को होंडा शाइन लेनी है तो आप बाबा होंडा खड़गपुर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप लोग को सलूटो लेनी है तो आप कृष्णा या महा मेदनीपुर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोनों की नंबर नीचे में दी गई है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा, हम ऐसे ही वीडियो हर वीक लाते रहते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, ओवर एंड आउट।